दोस्तों आज हम पेटीएम से और क्रेडिट एप्लीकेशन से जो है क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करने वाले हैं। करीबन 2.25 लाख रुपए का मैं दोनों ऐप से ट्रांजेक्शन करूंगा और मैं ये देखूंगा कि क्रेडिट एप्लीकेशन क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर के लिए बेस्ट है या पेटीएम का जो रेन पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में लोग ले रहे हैं, तो दोनों में से कौन सबसे बेस्ट है मैं इस वीडियो में एक बड़ा अमाउंट आज करके दिखाऊंगा। मेरा आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, सो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेटीएम ऐप को जो है ओपन किया है और यहाँ पे मैं सर्च बार में टाइप करता हूँ रेंट पेमेंट। जैसे मैं रेंट पेमेंट सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे रेंट पेमेंट आ गया है आप लोग के सामने। मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर पहले से ऐड है, मैंने ऐड किया है। आपको खुद का अकाउंट नंबर नहीं डालना है, दूसरे का अकाउंट नंबर डालना है। अगर खुद का डालोगे तो दिक्कत शायद हो सकता है। तो यहाँ पे मैं पे नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 98,850 रुपीज। 98,850 रुपीज मैं कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर। 1% चार्ज लगता है, तो चलिए फटाफट मैं इसे प्रोसेस टू पे करता हूँ। अब यहाँ पे हमसे देखो यहाँ पे आ गया है क्रेडिट कार्ड का नंबर वंबर जो है लेने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं कार्ड का नंबर वंबर पहले ऐड कर लेता हूँ फटाफट, फिर मैं आगे वाला प्रोसेस आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखो मैं कार्ड पे टिक मार करूंगा तो यहाँ पे देख लो ये हमसे 1% का चार्ज बताया जा रहा है। तो चलिए फटाफट पहले मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो पिन है, जो एक नंबर है, मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ फटाफट, फिर आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कार्ड का नंबर डाल दिया, मैंने ब्लर किया है। अब यहाँ पे मैं पे करने जा रहा हूँ। जैसे पे करूंगा देखता हूँ आगे क्या सीन आता है। ये पैसा 2 से 3 वर्किंग दिवस में रिसीव होता है। तो यहाँ पे अब ओटीपी आएगा, फिर मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के आपको दिखाता हूँ। जस्ट सेकेंड, ओटीपी थोड़ा सा मैं डाल लूँ। यहाँ पे आप लोग देख लो मैंने ओटीपी को फिल कर दिया है। आप लोग देख लो ट्रांजेक्शन वही मेरा अमाउंट है। अब मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसे सबमिट कर दिया। अब देखते हैं कि पेमेंट होता है कि ये पेमेंट फेल्ड होता है। तो यहाँ पे देख लो आपके सामने 98,850 रुपए देखो ये हो रहा है प्रोसेसिंग। तो अभी ये पेमेंट प्रोसेसिंग में चला गया है। अभी पेमेंट रिसीव होने में 2 से 3 वर्किंग दिवस लगते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मैं इतना बड़ा अमाउंट जो है इस पेमेंट इससे कर रहा हूँ। तो पेमेंट देखो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, बट यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है कि आपका जो पेमेंट है ये 2 दिवस में रिसीव होगा। देखो यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ लो आप लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो है 2 दिवस के अंदर आपका रिसीव होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसमें टाइम लगता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं क्रेडिट एप्लीकेशन से। आप लोग देख लो 10 जून का देखो डेट है यहाँ पे, और यहाँ पे 2021 है। देख लो 98,850 पे किया हूँ, ये कोई फेक नहीं है, मैं रियल किया हूँ। तो अब मैं फटाफट करता हूँ क्रेडिट एप्लीकेशन से, जस्ट वेट। तो मैं आपको क्रेडिट एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख लो मैंने क्रेडिट एप्लीकेशन को ओपन किया है आप लोग के सामने। अब मैं यहाँ पे ऊपर क्लिक करता हूँ, रेंट पेमेंट का जो ऑप्शन है वो लाता हूँ। तो यहाँ पे रेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमसे जो है डिटेल्स मांगा जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट मैं पहले जानकारी को फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है ये पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे कंटिन्यू क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा कितना पैसा आप डालना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर आप 50,000 डालोगे तो आपको पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिल करता हूँ 49,999 रुपीज़। अगर मैं 50 कर दूंगा तो ये तुरंत जो है पैन कार्ड का नंबर देना होगा। चलिए अब मैं इसे प्रोसेस करने वाला हूँ और देखता हूँ क्या होता है। मैंने इसे प्रोसेस किया, अब यहाँ पे ये प्रोसेसिंग ले रहा है। यहाँ से फिर से प्रोसेस करता हूँ तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, जो आपका रेंट का जो पेमेंट पे कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं पहले अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड वेट। देखो मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है, अब मैं इसे प्रोसेस करने वाला हूँ। अब मैं प्रोसेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे कंफर्म बोला जा रहा है कि आप वही हो। हाँ मैं वही हूँ, मैंने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे जो है एड्रेस बोला जा रहा है जो आपका रेंट एग्रीमेंट का है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ फटाफट, जस्ट सेकेंड वेट। यहाँ पे देखो मैंने एड्रेस फिल कर दिया है, अब मैं इसे
प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कार्ड का नंबर बोला जाएगा। तो फटाफट मैं यहाँ पे कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लो कि समझो कि 50,000 में 1 रुपये कम के पीछे 775 रुपये लग रहे हैं, बट पेमेंट तुरंत आता है। तो मैं प्रोसेस टू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुझसे जो है CVV नंबर मांगा जा रहा है, तो फटाफट मैं CVV नंबर डाल के आपको दिखा देता हूँ। जस्ट वेट, यहाँ पे मैंने CVV नंबर डाल दिया है। अब मैं इसे प्रोसेस टू पे कर रहा हूँ आपके सामने। तो मैंने कर दिया, आप देखते हैं कि OTP आता है और कितना टाइम में पेमेंट रिसीव होता है। तो इनका जो पेमेंट गेटवे है रेजर पे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे OTP डालने के लिए बोला जा रहा है, तो फटाफट मैं OTP आपको दिखा रहा हूँ। OTP को सबमिट कर दिया है आपके सामने। अब मैं सबमिट करता हूँ, देखता हूँ कि ये पैसा तुरंत आता है कि टाइम लगता है। यहाँ पे सबमिट कर दिया हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख लो सक्सेसफुल हो चुका है पेमेंट, यूर रेंट अमाउंट जो है सक्सेसफुल शो कर आपके सामने। तो यहाँ पे डिटेल्स में चेक करता हूँ तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 14 मिनट लगेंगे क्रेडिट होने में, ऐसा बताया जा रहा है। तो फटाफट पहले मैं एक बार अपना अकाउंट चेक करता हूँ, देखता हूँ कि ये आया है कि नहीं आया है। जस्ट सेकंड, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख लो कितनी अच्छी बात है, इंस्टेंटली जो है आ चुका है अकाउंट में। तो क्रेड एप्लीकेशन आगे निकलता है, बट पेटीएम में 1% चार्ज है, क्रेड एप्लीकेशन में मात्र आपका करीबन 2.25% के समथिंग है। तो क्रेड एप्लीकेशन अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो क्रेड एप्लीकेशन से आप कीजिए, बाकी पेटीएम से आपको 2 से 3 दिन में आ जाएगा। बाकी पैसा फंसता नहीं है, बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा। और मैंने देखो लाइव प्रूफ से दिखाया है, मैंने 1.5 लाख रुपए के समथिंग ट्रांजेक्शन किया है। तो आज तक कोई भी यूट्यूबर इतना बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो शायद मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट लगा मुझे क्रेड एप्लीकेशन। मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। बाकी पेटीएम की सर्विस, पेटीएम ओल्ड है फिर भी इतना लेट काम करता है। तो अब मैं फिर से एक ट्रांजेक्शन करूंगा, बट इतना आप लोग को दिखा दिया तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए क्रेड एप्लीकेशन सेफ एंड सिक्योर है, पेटीएम का जो सर्विस है अच्छा है, बट क्रेड एप्लीकेशन से पेटीएम पीछे है, क्योंकि 1% चार्ज तो ले रहा है। देखिए फ्री वाला काम कभी मत करना, जो कंपनी फ्री में पैसा देती है वो आजकल 1 महीने 15 दिन फ्री में आपको लालच देके पैसा बैंक में ट्रांसफर करेगी, और इसके बाद जो है कुछ टाइम बाद वो सर्विस बंद कर देगी। तो मुझे बेस्ट लगा क्रेडिट एप्लीकेशन का सर्विस। मुझे आप बताना कमेंट में आपको कौन सा अच्छा लगा, और मैंने इतना बड़ा ट्रांजेक्शन किया है, एक लाइक तो बनता है, और दोस्तों में शेयर भी कर देना। आपका पैसा कभी नहीं फंसेगा, ये सिक्योर है, और अब फंसता है मुझे कमेंट करना, पूरा हेल्प करूंगा। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।